खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट नशस्त पर इलेक्शन पोलिंग जारी। पीटीआई के शौकत तरीन और जेयूआई के जाहिर शाह मद्दे मुकाबिल। एएनपी के डॉक्टर शौकत और पीपल्स पार्टी के मोहम्मद सईद भी मैदान में हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ पेशावर आबिद हमीद से। आबिद, कहिएगा किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, सेनेट इलेक्शन की जो खाली नशिस्त थी, जो अयूब आफरीदी के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी, उसके ऊपर आज इलेक्शन हो रहा है। इसमें चार उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें पीटीआई की जानब से शौकत तरीन है, एएनपी के डॉक्टर शौकत अहमदज़ादा है, पीपल्स पार्टी के मोहम्मद सईद और जेयूआई के ज़ाहिर शाह मैदान में है। अगर आप जो असम्बली का अगर के पी असम्बली का जायजा लें और इलेक्ट्रोल कॉलेज वोट का जायजा लें तो ये तकरीबन 145 बनता है। और इस वक्त में जो ऐवान में सूरत हाल है तो उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ के इस वक्त 95 यहाँ पे अराकीन है, जबकि एएनपी के 12, पीपल्स पार्टी के 6 और मुस्लिम लीग नून के 7 अराकीन जो हैं वो ऐवान में बराजमान है। जेआई के भी 15 अराकीन है, इसी तरह जमात इस्लामी 3 और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 4, जबकि 3 आजाद अरकान हैं। सेनेट में जो उम्मीदवार को कामयाबी के 73 इलेक्ट्रोल कॉलेज वोट दरकार होंगे, जो पीटीआई जिनकी अराकीन की तादाद ज्यादा है वो बआसानी इसको जीत सकते हैं। यहाँ पर यह बात भी वाजे कर दूं कि जो अपोजिशन जिसकी तादाद काफी कम है वो सेनेट इलेक्शन के लिए यहाँ पर भी अपना एक मुत्तहिद या इत्तेहादी या मुत्तफिक का उम्मीदवार मैदान में नहीं उतार सकी है। पोलिंग का अमल जो है ये 4 बजे तक जारी रहेगा, इसके बाद जो है नतीजे का ऐलान किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आबिद हमीद, आप हमें अपडेट कर रहे थे।